इस वक्त खड़े हम शहर के बाकरगंज, जहां पर कॉटन माजा बनाने का काम किया जाता है। बरेली की माझे की बात करें तो ये देश दुनिया में पतंगबाजों की पहली पसंद बना हुआ था, लेकिन चाइनीज माझे ने इसे थोड़ा झटका जरूर दिया, लेकिन सरकार की तरफ से चाइनीज माझे पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद इसे फिर से संजीवनी मिली है। अब मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, तो उसको लेकर एक बार बरेली में कॉटन माझे का कारोबार तेज़ी से चल रहा है। बरेली में कॉटन माझे का काम बात करें तो बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर शहर में बाकरगंज, स्वालेनगर में भी कॉटन माझे का कारोबार किया जाता है। यहाँ अब हर रोज़ सैकड़ों कारीगर कॉटन माझे को मतलब तराशने के लिए अड्डों पर डेली आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं कॉटन माझे का कारोबार किस तरह किया जा रहा है। लगभग मुझे कम से कम 24 सारे काम करते हुए हो गई, और दिन भर में हम दो चक्की बनाते हैं, इसमें मेरे तो काम बहुत है। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक, और हम कॉटन थ्रेड माया तैयार करते हैं, और ये चाइनीज़ माझे से बचें लोग और कॉटन थ्रेड का यूज़ करें। कॉटन थ्रेड बहुत अच्छा है और चाइनीज़ माया इसके सामने बिल्कुल होता है। कॉटन थ्रेड माया आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में जाता है, मगर अब जब से ये प्लास्टिक का जो माझा आया है, जब से इसका यूज़ कम हो गया है, क्योंकि लोग उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मगर ये बहुत अच्छा है और प्लास्टिक के माझे से लोगों की जान जाती है।